मींस राजा ने कमेंट्री में कंफर्म किया है कि ये इनकी उंगली पे चोट लगी हुई है। और फिर एक और हारून साहब ने ट्वीट किया है, वी नीड 140 प्लस किलोमीटर्स पर आर वाला शाहीन, 140 प्लस वाला शाहीन चाहिए। आएगा इंशाल्लाह आएगा। किधर है वो शाहीन 140 प्लस वाला शाहीन भाई, प्लीज मैच के बाद सुने वापस आए आप अपनी फॉर्म में। बड़े आराम से सिंगल डबल्स कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे ये कोई क्लब क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं श्रीलंका के। पाकिस्तान देखें, आपके पास 10 खिलाड़ी और भी हैं, वो किस लिए गए अगर सिर्फ बॉलिंग शाहीन ने करनी है। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का प्रेशर नहीं लेती अगली टीम, क्योंकि दो महीने पहले तक तो हम दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक था, हमारे से लोगों की कांपे टांग जाती थी और सबसे ज़बरदस्त प्लेयर हमारे होते थे। जब हमारे बॉलर आते थे तो अगली टीम जो है उसको समझ नहीं आती थी इनको खेलना कैसे है। ये दो महीने में वक्त जज्बात सब कुछ बदल गया, ये क्यों नहीं टीम हमारा प्रेशर लेनी। देखें जी, मैं तो मुझे इसलिए नहीं हो रहा कि आप थोड़ा सा शाहीन की रेपुटेशन को दे दें, आप थोड़ा सा पाकिस्तान की रेपुटेशन को देखते हुए। अगला कोच टीम को कहता नहीं होगा कि यार आज जरा देख के खेलना, पाकिस्तान के साथ मैच है। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अपने अगले मैचेस के लिए। और एक मजे की आपको बात बताऊँ, आप दीजिएगा डेल स्टेन ने स्टार दिया कि इस वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट बॉल कौन कराएगा, तो उन्होंने कहा शाहीन अफरीदी। तो आप देखिए कितने लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं बड़े बड़े प्लेयर्स को। आई थिंक डेल स्टेन को ये आइडिया इस टाइम, या शायद डेल स्टेन मौजूद है वहाँ, नवाज को चौके छक्के ठीक है जी। 50 दोनों बैट्समैन 50 कर चुके हैं, निसांका का भी 50 हो गया है, कौशल मेंडिस का भी 50 हो गया है, 100 रन की इससे ज़्यादा की पार्टनरशिप है। पाकिस्तान ने दोनों बैट्समैन सेट करवा दिए हैं, इजी करवा दिए हैं, पिच पर उन्होंने घर बना लिए हैं, वो कहीं जाने के मूड में। एंड इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन। और इसी चीज़ से मैं आप लोगों को कल कह रहा था कि अड़ जाते हैं और ये मारते हैं और ये वही कर रहे हैं, ये आपको उसी हालत पे लेके आएंगे और ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। चेजिंग वही सेम स्टोरी, शादाब मार खा रहा है, नवाज मार खा रहा है और ये फिर वही सेम स्टोरी, दुनिया की बॉल स्पिन हो रही है, हमारी बॉल पता नहीं किधर स्पिन हो रही है, पता नहीं कहाँ स्पिन हो रही है, लेकिन इसी विकेट पे जब दूसरे बॉल स्पिनर्स करते हैं तो इतना बॉल स्पिन हो रहा है, हमारे लड़कों का स्पिन नहीं हो रहा। देखते हैं जो इनके जो श्रीलंका के जो स्पिनर वापस आए हैं वो क्या करते हैं आज, उनका भी पता लग जाएगा। अगर वो स्पिन कर रहे हैं तो मतलब फॉल्ट हमारी टीम में है, लेकिन स्पिन हो रहा है, स्पिन हो रहा है लेकिन विकेट्स क्यों नहीं है, मतलब बोला स्पिन जो मतलब कि जो हमें स्पिन चाहिए। यहां पे आपको विकेट के अंदर से ब्रेक करना है ताकि आप उसको डिसीव करो। आप अगर आपको बॉलर यहां बैटर यहां से स्वीप भी खेलने जाए तो उसको टॉप एज के चांस हो। क्या बात है, अगर आप बाहर से स्पिन करेंगे तो आपको आराम से लपेटा मारेगा कॉक कॉर्नर पे फील्डर। फॉर आउट और इज गॉन आउट, विकेट इज गॉन, आउट हो गया, बहुत आला डिसीजन हो गया। क्या बात है, सारी बातें गलत हुई होंगी और आउट कौन हुआ है, निसांका, वो भी जहरी खड़ा, दूसरा जहरीला इंसान वो खड़ा है। ठीक है जी, पहली दूसरी विकेट गिर चुकी है, हम आएंगे स्कोर की तरफ, आउट देख लेते हैं। हमने 18 कट मारने के लिए गया, लेकिन 18 ओवर में 107 पे दो आउट हो चुके हैं, कट मारने गए थे शादाब को, अब शॉट खेला। इमाम ने क्या खड़ा होना है, इमाम है नहीं, इमाम नहीं है, ये है अब्दुल्ला शफीक ने कैच पकड़ा है और पॉइंट पे जो फील्डर खड़े थे कट मारने गए वो शॉट को, पॉइंट पे अब्दुल्ला शफीक ने हाथ में कैच पकड़ा, सेफ कैच सेफ हैंड, पाकिस्तान हैज टेकन द विकेट, श्रीलंका आर नाउ टू डाउन। निसांका जी गॉन, दो तीन ऊपर नीचे विकेट चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान को और वही सारा प्रेशर श्रीलंका पर जा सकता है। शमशेर, ये हो सकता है कि यहाँ पे दो विकेट ले जाएं और सारी सिचुएशन जो इतनी देर से हम पाकिस्तान टीम के खिलाफ थे और एकदम सिचुएशन बदल जाए। मैच मैं अभी कह रहा हूँ कि एक और विकेट जल्दी निकल आई ना विद इन 2-3 ओवर्स के अंदर तो गेम ऑन है। ठीक है जी, शादाब की हम बात टोटल नीचे आ जाएगा और हम एग्जैक्टली ये विकेट जब गिरी है तो हम स्पिन बॉलिंग की बात ही कर रहे थे कि स्पिन नहीं हो रहा और वो टर्न हो रहा था, तो थोड़ा सा अच्छी चीज ये है कि हमने जो चीज पॉइंट आउट की उसी टाइम उसी बॉलर ने वो। अच्छा, ये शादाब को टिप्स दे रही थी क्या ये वाली? हाँ, आप हमें बता रही थी यही कि अगर पिच से आपने टर्न लेना है, आपने मिडिल विकेट से टर्न लेंगे ना आप, तो अगर आप बॉलर आपको स्वीप भी करने जाएगा या सामने खेलने जाएगा उसको अपने फीट यूज करके निकलना पड़ेगा एक्स्ट्रा कवर के लिए, इनसाइड आउट है जो बेस्ट शॉट होता है। शुएब मलिक बहुत अच्छी खेलते थे ये इनसाइड आउट वाली शॉट, वो उसका शॉट बड़ा जबरदस्त होता है। अगर वो उसी बॉल को बैटर जोन से है वो स्वीप खेले जाएगा या स्लॉक खेले जाएगा ना कॉक कॉर्नर में वो आउट हो सकता है या फिर आपका टॉप एज निकल सकता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपका टॉप एज निकल जाए या फिर आप बोल्ड भी हो सकते हो। हां, वो जरा बहुत ही पिच। लेकिन अगर यही बॉल, अच्छा भाई मैं हमारे 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 एक मिनट में हमें थोड़ा सा टेक्निकल, हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं जो वो हमें कॉमेंट्स करके बता रहे हैं कि हमारा माइक जो है वो बीच में 5-10 सेकंड के लिए म्यूट हो जाता है, वो कह रहे हैं आपकी आवाज़ 5-10 सेकंड के लिए म्यूट हो जाती है। और ये 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 अफ्रीका में टेंजानिया से हमें ज्वाइन किया हुआ है एक हमारे फ़ैन हैं, वो इस टाइम हमारी टेंजानिया में अफ्रीका से ये वो देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन को, उन्होंने कहा आप प्लीज़
अपने माइक की शक्ल थोड़ा सा रिवॉल्व करें। इनका नाम है जी सलमान बिन कौसर। ओके ये वहाँ रहते हैं, ये इनके रहते हैं वहाँ पे, बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जैसे आपके भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, ये भी वहाँ पे बाहर वहाँ पे बाहर रहते हैं। जाहिर है वो मुल्क है, वहाँ लोग रहते ही हैं और वहाँ लोग क्या कर रहे होंगे। तो जी सीन ये है कि हमने अपनी सलमान भाई आपकी बात को हम आवाज़ हमने अपने टेक्निकल जो बॉयज़ हैं इनको बताया, और बॉयज़ बड़ी मेहनत करते हैं जी। ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हम तो जो आपके सामने आप हमें स्क्रीन पे देखते ही देखते हैं, इसमें हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारे जो साउंड इंजीनियर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनकी अच्छी खासी मेहनत होती है। तो अगर ये टेक्निकल फॉल्ट आया, हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। आप हमें देखें और दोबारा बताएं कि क्या ये मसला रिजॉल्व हुआ या नहीं। नहीं हुआ तो हम इसको मजीद काम करेंगे। आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं तो हमारे टेक्निकल बॉयज भी थोड़ा सा, ये बात शमशेर ने की कि अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स वाइड पे जा रही है जरा, तो कोई बात नहीं, जरा हो जाते हैं ऊपर नीचे, कोई बात नहीं कि प्रेशर मैचेस है जी। और एक और चीज उन्होंने कही है कि इमाम को और फखर को, सॉरी इमाम का रोहित शर्मा के साथ कंपेरिजन नहीं होता। अच्छा जी, फिर शॉट्स मार रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कि वो विकेट गिरने के बावजूद शॉट भी जो उसको बार बार बॉल दे रहा है, वो ना ये बॉल निकाल रहा है थोड़ी सी बहुत पीछे। अच्छा बॉल इसका घूम रहा है। अच्छा जी, रीस टॉपली ने तीसरी विकेट ले ली है। रीस टॉपली दूसरा इंग्लैंड बांग्लादेश का मैच भी जारी है। हम जरा फोकस हमारा पाकिस्तान पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा मैच है, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ल्ड कप का हिस्सा भी है वो मैच, और वो उसका भी मैं आपको हाल अहवाल बता दूं जरा। पिचों के टर्न होने का चांस होना चाहिए। बांग्लादेश के 26 पे 3 आउट हो चुके हैं। गेम ऑन, गेम ऑफ हो गई है। गेम ऑन जी, बांग्लादेश के 26 पे 3 आउट हो चुके हैं। 365 रन के टारगेट चेस करें, बांग्लादेश की टीम पूरी तरह मैच में वापस आ चुकी है। शमशेर ऐसे चाह रहे हैं गेम ऑफ। अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि ना ये टीमें ना बड़ी टीमों का मोरल हाई कर देती हैं। लेकिन अब 50 पे आप ऑल आउट हो जाए इंडिया के खिलाफ, तो ये तो यार बोरिंग वो तो अनलकी था। विदाउट फाइटिंग आप में हंगर ना हो, एग्रेशन ना हो, आप फेल है। आप लड़के हारे, अगर हारना भी है तो मजा तब आएगा। लड़के हारें और कम से कम फाइट करें, कम से कम मैच में वापस आएं, आपको भी कॉन्फिडेंस हो अगले मैच में। टीम्स को भी पता चले कि इनको हल्का नहीं लेना भाई, इनको ये तो कमबैक भी कर सकते हैं। मगर इस टाइम जिस तरह की आपकी बॉलिंग और परफॉर्मेंस चल रही है, हर टीम आपको, मेरा ख्याल है नेदरलैंड से हल्का तो टीम्स आपको ले रही है। देखे ना, जिस तरह चीता जो है वो हिरन को पकड़ता है, तो हिरन और चीते की स्पीड में 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो दोनों दूसरे को टफ टाइम दे रहे होते हैं, तो आप कहते नहीं नहीं वो निकल जाएगा, उन्हें नीचे पकड़ लेगा। कभी 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 हिरन निकल भी जाता है, निकल भी जाता है बहुत दफा, कभी कभी नहीं बहुत दफा ऐसे हुआ आगे आपसे निकल जाता है। आज देखते हैं हिरन कौन है और चीता कौन है, ये आज बताएगा। हाँ, ये मैच जो है ये मैच बता देगा कौन हिरन है कौन चीता है। और ये जो कॉन्वर्सेशन है ये ज्यादा नेट जियो की लग रही है, बजाय के क्रिकेट ट्रांसमिशन हो, शेर चीते की रेस का मुकाबला होने लग गया यहाँ। और ये आउट है, और नहीं, ये सोहेब की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं आज। ये देखेंगे आप नाजरी, अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, क्योंकि यहाँ पे विकेट अगर यहाँ पे बड़ा अच्छा डिसीजन था फास्ट बॉलर को लाने का। क्यों क्यों, क्योंकि नया बैट्समैन है। अच्छा, जबरदस्त। देखे जी, एक्सपर्ट ओपिनियन कायनात का। और ये बहुत अच्छा।